your name, Imam Sanjay Rubella Sahab. Now you give your name, Imam Mahmood Lahara Sahab. I am Inspector Nur Mohammad Sahab. I am Inspector Popoya Sahab. और यहाँ पर उपस्थित दी पुलिस के एएसआई हेड कॉन्स्टेबल्स कॉन्स्टेबल्स और पीएचक्यू का स्टाफ, आप सभी का इस पुलिस हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एसडीपीओ साहब संदीप रुपेला साहब का ट्रांसफर हुआ है बतौर फाइनल एसडीपीओ, और आज यहाँ एसडीपीओ दिल का चार्ज लेंगे नए एसडीपीओ साहब श्री राहुल बुलारा साहब। और सबसे पहले मैं आईजीपी इंस्पेक्टर नोमो साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे एसडीपीओ साहब संदीप रुपेला साहब जो यहाँ से आज विदाई ले रहे हैं उनको मौके देके उनका सम्मान करेंगे। पोलिस हेडक्वार्टर में एसडीपीओ नी बदली थता विदायमान अने नवा एसडीपीओ नु स्वागत कार्यक्रम योजायो। दीव एसपी फूलजले पीयूष साहेब नी अध्यक्षता में उजवायेल आ कार्यक्रम में एसडीपीओ संदीप रुपेला साहेब नी खानवेल में बदली थता जेथी विदाय कार्यक्रम में एसपी साहेबे पुष्पगुच्छ अने गिफ्ट आपी सन्मान कर्यु अने नवा एसडीपीओ राहुल साहेब नु पण दीव में नियुक्ति बदल स्वागत करवामां आव्युं। विदाई लई रहेला संदीप रुपेला साहेब ने दरेक पोलिस कर्मीओए तंदुरस्त जीवन अने भविष्यमां वधु प्रगति करो तेवी शुभकामना पाठवी। एसडीपीओ संदीप रुपेला साहेबे दीवमां बजावेल फरजनी वात करी अने दरेकना सहकार बदल आभार मान्यो। एसडीपीओ तरीके संदीप रुपेला साहेबे 14 मास काम कर्यु जेमां लोकसभा इलेक्शन अने बीच फेस्टिवलमां खूब ज सारी भूमिका भजवी અને પ્રશાસન પોલીસ વિભાગ અને જનતામાં પણ ખૂબ જ લોકચાહના મેળવી। આપને ટાઈમ સ્પેન્ડ કિયા હૈ આપકે બિલોન્ડ એસડી પોસ્ટ કે સાથ આપને મેમરી શેર કી હૈ કાફી લોગો કે ઉનકે ભી અચ્છે એક્સપીરિયન્સ રહે હોંગે ઉન્હોને ઉન્હોને શાયદ સોચા હૈ કે જો સબને જો બોલા હૈ વહી રિપીટ ક્યા કરના તો ઇસમે કાફી લોગો ને એસા હોગા કે બોલની તો બોલની તમન્ના હોગી પર વો के बोलना चाहते नहीं होंगे। तो आपके कोई इशू नहीं, आपके एसडी साहब ने आपको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है और काफ़ी आपकी हमने वेलफेयर ओरिएंटेड पुलिसिंग की है यहाँ पे बेसिकली। तो मैंने पहले ही गाइडेंस दे रखी थी कि वेलफेयर ओरिएंटेड पुलिसिंग करनी है और सबको साथ मिलाकर चलना है, तो सबको भी अपना रोल निभाया है। आगे भी हम मैं कामना करूँगा कि जहाँ भी पोस्टिंग लेंगे और जैसे भी रहेंगे आगे फ्यूचर में, अभी तो सिलवासा जा रहे हैं खानवेल में रहेंगे, तो वहाँ भी अपना ऐसे ही अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ पुलिसिंग है, अपना जो वेलफेयर ओरिएंटेड पुलिसिंग है, ये उसको मेंटेन रखेंगे और बड़ी ईमानदारी से और अटमोस्ट इंटीग्रिटी से काम करेंगे। तो मेरे बेस्ट विशेस हैं और तमाम टीम पुलिस की तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस हैं। मेरी तो पहली पोस्टिंग थी यहाँ, ठीक है, फ्रेश ट्रेनिंग खत्म करके मैं यहाँ पर आया था और पहली पोस्टिंग ड्यू रही, मैं इस चीज़ को अपना सौभाग्य मानता हूँ और लकी इसके लिए भी हूँ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, अभी भी ऑलमोस्ट मेरा घर ही है। मुझे तो ऐसे लगा जब ऑर्डर आया कि मैं घर ही जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो बड़ा खुश था जब मुझे पोस्टिंग आई और जब यहाँ पर मैंने काम किया सर की गाइडेंस के अंदर तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई। काफ़ी कुछ सर से मैंने सीखा, इनसे पहले मनी सर थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और ऐसा नहीं सिर्फ मेरे सुपीरियर्स ने मुझे सिखाया है, तो मैं तो कोई अतुल्य है, वो तो कभी मैचेबल नहीं हो सकता, पर मेरे स्टाफ ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि किस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कई बार हम लोग भी टाइम कम रहता है, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं तो नीचे वाला स्टाफ आके ठीक से गाइड करता है, तुमको बहुत कुछ पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और राजेश मेरा रीडर है, इसने जब भी मुझे कुछ भी गाइड किया तो एकदम सच बताया ईमानदारी से कि सर इसमें इस तरह से किया जा सकता है, तो मैं उसके लिए राजेश को थैंक यू कहूँगा। मेरे साथ दिवेश ने भी काम किया, हमेशा ओबीडियंट रहा, कभी 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 डांट दिया होगा मैंने दिवेश को भी, पर देर वॉज नथिंग पर्सनल, एवरीथिंग वॉज प्रोफेशनल, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मन में किसी को भी डांटा हो, थोड़ा आपको भी डांट दिया था यार मैंने पर उसमें ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली आपके अगेंस्ट हूँ या किसी के भी, ये प्रोफेशन है, ठीक है ना, पुलिस है, इस पर डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, इसमें हायरार्की है, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। हमने भी कई बार डांट खाई, मनीष सर ने भी डांट दिया, कभी कभी सर ने भी डांट दिया जब मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है,
मेरी ड्यूटीज़ की तरफ मुझे जितना सीरियस होना चाहिए, कभी मैं नहीं भी था कुछ किसी भी कारण वर्ष, तभी मुझे डांट पड़ी तो वो डांटली, उसने एक्सेप्ट किया और आगे चले, उसकी दोबारा से गलतियाँ रिपीट ना करें। और यहाँ से मैं बहुत ही अच्छी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ। आप जो भी स्टाफ है आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और जितने भी साथ भी कई बार कनेक्ट अट्रैक्शन हुआ, उसको भी दो बार मैं जोधपुर गया था तो आपके ग्राउंड पे थे, स्ट्रेस था तो कई बार इसको भी कुछ बोल दिया मैंने फ़ोन पे। पर ओवरऑल मेरी मेमोरीज बहुत ही पॉजिटिव हैं, व्यू को लेके बड़ा खुश हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग व्यू रही और यहाँ से मैं बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ। आप सबको बेस्ट विशेस। और वेलफेयर ओरिएंटेड, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी की छुट्टी नहीं रखी है, ओके, तो ऑफकोर्स मैं पर्सनली इस चीज़ को बिलीव तो करता ही था, पर इसमें सर की भी यही हिदायत थी कि कभी कोई अगर स्टाफ आता है तो हम पुलिस वालों को सबसे बड़ी दिक्कत एक ही रहती है कि छुट्टी टाइम पर नहीं मिलती। अगर पुलिस वालों को सिर्फ छुट्टी टाइम पर मिल जाए, उससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए कोई नहीं, ठीक है ना। आप काम करवाओ, पर जब उसको ज़रूरत हो तो उसको फ्री भी रखो, ताकि वो अपने घर परिवार को, क्योंकि वर्दी में हम लोग सब एक फैमिली मैन भी हैं, हमारे भी परिवार हैं जिनके लिए हमारी जवाबदारी है, जिनको निभाना है। तो सर की भी यही मुझे डायरेक्शंस थी कि अगर कोई आता है, जेन्यून कॉज है, छुट्टी मांग रहा है, सिर्फ इतना देखना कि डिपार्टमेंट की वर्किंग असर ना हो, और अगर कोई बंदोबस्त है तो आगे पीछे थोड़ा देख लेना, छुट्टी कभी किसी की मत रोको। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं न्याय कर पाऊँ जब भी कोई आया है। और आप सबको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर पुलिसिंग के लिए। थैंक यू। साल ड्रॉप लेना पड़ा था अपनी ट्रेनिंग से, और इनकी भी सर की भी पहली पोस्टिंग ही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, और जब भी मैं कहीं पर मुझे आपकी ज़रूरत थी और आपने मेरा साथ निभाया, उसी तरह से आप राहुल साहब का भी सहयोग करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन इंसान है और आप इनके साथ काम करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि 100% आपको अच्छा लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं।